क्या होता है कि जो गजानंद है मेरे जो बड़े भाई हैं वो मारते हैं लाली भाभी को, काफ़ी मार पिटाई होती, पहले भी होती थी मगर कुछ नया नहीं था इस बार, मगर ये घर पे अभी आ चुकी है तो थोड़ा नया हो गया था। तो फिर क्या होता है कि मम्मी थोड़ा ड्रामा करती हैं, ये फ़ोन कर देती पुलिस वालों को कि ऐसे वैसे है कि मार पिटाई की आज लाली की, तो आप आ जाओ सब, पुलिस आ जाती, पुलिस आती है हमारे घर पर कि चलो ओके शुक्ला जी नमस्कार ऐसे वैसे सब खाने पीने, मगर इस बार पुलिस गजानंद को घसीट के ले जाती है इनकी वजह से। तो फिर क्या होता है कि गजानंद बाहर जा रहे होते हैं, मम्मी ड्रामा करती हैं एक और कि मैं लटक जाऊंगी जान दे दूंगी, मेरे गजानंद को वापस लाओ घर, सब किया धरा इसी का, इसको घर से पहले बाहर आउट करो। तो वही सब ना कन्फ्यूजन चल रहा है, मुझे ये कन्फ्यूजन है कि यार ये सही कर रही है ये गलत कर रही है, क्योंकि आज तक मुझे वो गलत नहीं लगा था मेरे घर पर होता रहा है शुरू से, तो मैं वैसी मेरी अपब्रिंगिंग वैसी हुई है, पर अभी मुझे थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि यार हाँ ये गलत है, नहीं है, है नहीं है, हाँ नहीं ऐसा थोड़ी है, मैं सही नहीं हूँ, मैं बोल तुम सही कैमरा बोलो मैं सही नहीं हूँ, तुम सही हो, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मैं कंफ्यूज हूँ अभी भी सिचुएशन के बीच में। नहीं मैं तो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हुआ है आप लोग जब देखोगे आप लोगों को भी ऐसा लगे कि मैंने सही स्टेप लिया है, क्योंकि घर में अगर लाइक किसी औरत को पीटा जा रहा है वो भी कोई वजह नहीं उसके लिए, और हमेशा ऐसा होता है, और बाकी घर वालों का रिएक्शन बहुत नॉर्मल है कि हाँ ठीक है आपस का मामला है छोड़ दो इन्हें ये सब मामलों में मत पड़ो एंड ऑल, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि यार बहुत आप देखोगे तो देखना कितनी चोटें आई और ब्लीडिंग हो रही है ना, यार बहुत, तो बहुत गंदे से हाँ, इसलिए मुझे लगता था कि हाँ नहीं पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, घर वाले तो कोई स्टेप नहीं लेंगे, हॉस्पिटल तक नहीं जाने दे रहे सो मैंने मुझे लगा कि पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, तो मैंने बिना बताए राधे को भी नहीं बताया एंड मैंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, और उसके बाद तो पकड़ के ले गए, रिजल्ट दिख रहे हैं, और उसके साथ शुक्लायन जी के ड्रामा भी चल रहा है, बिकॉज सुसाइड तो वो नहीं करने वाली है, अच्छा। बता दे रही हूँ नहीं करने वाली है, वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि हम लोग मतलब उनके गज्जू को वापस ले आए, वापस लेके आए, सो बट ऐसा कुछ हो फिलहाल नहीं हो रहा है क्योंकि पकड़ के ले गए। हाँ क्योंकि मम्मी जी मुझे धक्का मारती है, तो राधे के नज़र में मतलब मम्मी जी मतलब मैं धक्का नहीं मार रही हूँ, वो मुझे धक्का मार रहे हैं, मैं गिर जाती, तो उसके लिए लगा कि मम्मी जी की गलती है कि मुझे धक्का मारे, तो राधे इसलिए मुझे बचाने आते हैं, और कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ जाता है, वो खुद गिर जाते हैं। बिकॉज वो कभी मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कृष्णा जी को ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा मेरे घर पे, मतलब मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे छोटी बहू आएगी तो उसको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्लस ये थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है शुक्ला फैमिली में, ये थोड़ी पढ़ी लिखी है, मतलब अखबार में फोटो वोटो छपा होता है इनका, तो मम्मी जी मतलब ठीक है जो भी होता है ये अपनी जगह सही है, मेरे घर वाले अपनी जगह सही हैं, उनको ऐसे लगता है मतलब ठीक है जो भी है, तो वो इनको धक्का वक्का देती हैं एक दो बार तो चलता है, तो भी, है ना? फिर थोड़ा सा मतलब मुझे भी वो बर्दाश्त नहीं होता कि यार मम्मी इसको धक्का दे रही हैं, इसकी गलती है भी नहीं भी है, मतलब गलती नहीं है बेसिकली अगर देखा जाए तो, गलती है ही नहीं, मगर शुक्ला फैमिली की नज़रों में शी इज़ द कल्प्रिट, तो इसलिए मैं बचाना चाहता हूँ इनको, बचाने जाता भी हूँ, तो ठीक है इट्स ओके, बचाएंगे तुमको, टेंशन मत लो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।